गुजरात हाई कोर्ट में रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला स्टेप बाय स्टेप। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक इस चैनल पर आपको सब कुछ आपको जॉब के रिलेटेड रिक्वायरमेंट वगैरह सब यहाँ पर इस चैनल पर मिलते रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सारी चीज़ें कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी एज लिमिट, आपकी क्वालिफिकेशंस, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर, जो एलिजिबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन में सिविल जज पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, वो मैं सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वैकेंसीज है 219। ओके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिंक है, ऑनलाइन ही आप फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटर्न एग्ज़ाम होंगे और इंटरव्यू होंगे, तो ये आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आपकी 27 है, 44,000 तक की आपकी सैलरी होगी। और एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स। अप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस यहाँ पर लगता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए OBC के लिए 1000 रुपीज़, SC ST के लिए 500 रुपीज़। आप पेमेंट करते हैं, आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन लॉ में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ ये आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर लास्ट डेट बता देता हूँ आपको, 2 मार्च 2022। ओके, यहाँ पर क्या बोला गया, 2 मार्च को, अभी आने वाले मार्च में, यहाँ पर फरवरी को ही रिलीज़ हुई है, 3 फरवरी को ही रिलीज़ हुई है डेट कि आप इसमें जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मार्च 2022 को लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए जो आपको लिंक चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो ये फिल कर लेनी होती है, गुजरात लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज। ओके, यहाँ पर वेयर यू पास सेकेंडरी स्कूल्स बतानी होती है, हायर लेवल पास हो चुके हैं, सारी चीज़ें फिल करनी होती है। फिल करने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स, यहाँ पर 12 के रिलेटेड बेसिक डिटेल्स है, LLM क्वालिफिकेशंस जो भी आपने सारी चीज़ें किया है, एड्रेस, एडिशनल क्वालिफिकेशंस, वो पेमेंट डिटेल्स देनी होती है, प्रैक्टिस डिटेल्स देनी होती है, एडिशनल डिटेल्स देनी होती है, एश्योरेंस एंड यस या नो पे आंसर दबानी है, और यहाँ पर आपको क्लिक करनी है, आंसर यहाँ पर देनी है, जो भी यहाँ पर ये सब एस पे क्लिक करें और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे आप टाइप कर सकते हैं। तो 5836F आपके में कोई और आता है, मतलब हमेशा चेंज होते रहता है, आप जिस वजह से वो टाइप करके आपको सेव करना होता है। जब आप सेव कर लेते हैं आपका सेव हो जाता है, फिर आगे सबमिट करना होता है, पेमेंट करना होता है, बस बात खत्म। तो यहाँ पर आपका अप्लीकेशन फॉर्म समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना था, जॉब लोकेशन अप्लीकेशन, फिर अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फिर कंफर्म योर अप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट योर अप्लीकेशन फॉर्म एंड पे फीस एंड कॉल लेटर डाउनलोड। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता दिया गया, सो काफ़ी इजी वे है। तो अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, दोबारा बता देता हूँ, आप चेक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।